अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिशबा किचन व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं पसंदों का सालन। चलिए लेट्स गो। यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम बीफ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके पीसेस भी आप लोग देख सकते हैं एकदम चपटे चपटे, एकदम बड़े बड़े, एकदम पतले हैं। तो हम जब भी हम मालूम पसंदों का सालन बना देना तो एकदम पतले पतले चपटे पीसेस होना चाहिए, इसके गोल गोल छोटे छोटे नहीं रहना है, तो मज़े का टेस्टी नहीं होता है सालन। जितना पतला पीस और बड़ा बड़ा पीस जैसा रहता ना, ये थोड़ा चिकना भी लगे हुआ रहना साइडों से, तो बहुत टेस्टी होता है ये सालन। तो ये चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। मैं तो बीफ में बना रही, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे बोन्स भी ऐड कर सकते हैं। बोन्स मालूम हड्डी को गोश्त लगे हुआ भी है ना, उससे भी बहुत टेस्टी आता है सालन में, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब हम 2 टीस्पून हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1/4 टीस्पून से भी कम हम टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1/2 लेमन का जूस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैरिनेशन हम करके रख देंगे। अब हम ओवरनाइट रखेंगे इसको, वो बाहर नहीं रखना है गलती से भी, बस फ्रिज में ही रखना है इसको अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट। मैंने ये रात में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फिर ये मैं मॉर्निंग में आप लोगों को रेसिपी शेयर करूँगी। तो ओवरनाइट हम मैरिनेशन करके अब फ्रिज में रख देंगे। इससे पसंदों के सालन में बहुत टेस्टी होता है, ऐसा बना के आप लोग एक बार ट्राई करना। ओके चलिए मॉर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मसाला 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम है, थोड़े से मूंगफली है, फिर ड्राई कोकोनट भी है, फिर उसके बाद खसखस भी है थोड़ी सी। इसको हम रोस्ट कर लिए, आप लोग देख सकते हैं सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से। अब हम जार में ऐड कर लेंगे, एक जार ले लेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे गरम मसाला है, जौंधरी है, 2 से 3 लौंग है, काली मिर्ची है, 4 इलायची है, जौंधरी है, जायफल है, जौंधरी थोड़ी सी है, फिर ये क्या है दालचीनी का, फिर ये बड़ी इलायची के दाने हैं देख सकते। अब हम ऐड कर देंगे इसमें, यही मसाले में ऐड कर देंगे हम इसको अच्छे से। अब पानी डाल के इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। तो आप लोग देख सकते हैं मसाले बिल्कुल रेडी है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और नाइट हमने मैरिनेट करके रख लिया था हमारे मटन को, अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ऐसा करने से मालूम माशाल्लाह पसंदों का सालन इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है। और नाइट इसको अच्छे से सूप लगा के रख देना, मिर्ची नमक वगैरह सब कुछ लगा के रख के इसको वन नाइट इसको मैरिनेट करते ना, उसके बाद सुबह में पकाओ इसका सालन, इतना टेस्टी बनता है। और चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम एक नॉनस्टिक की कड़े रख लेंगे चूल्हे पे, उसके बाद उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे 1 कप। कुकिंग ऑयल हीट होते ही अब इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे बारीक चॉप करे हुए 4 मीडियम साइज के मैंने ऑनियन ले लिया था, इसको बारीक चॉप कर लिया था मैंने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे हम, जैसा हमारी बिरयानी की प्याज रहती है ना वैसा हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसको साइड में रख लेंगे ऑनियन को,
अच्छे से फ्राई भी हो गई है, हम एक प्लेट में निकाल लेके। तो वही चाइल में हम यहाँ पे स्पाइसेस को ऐड करेंगे, दो इलायची, दो लौंग, दो दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा शाजीरा, गरम मसाला चटकते ही थोड़ा सा हल्का सा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त को, जो मैरिनेशन हम करके रख लिया ना, तो वो गोश्त को हम ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छे से अब हम इसमें फ्राई करेंगे, 5 से 10 मिनट्स इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, हम मीडियम फ्लेम पे ही रख के हम इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ओके, तो 5 मिनट्स अच्छे से मसाले को फ्राई करने के बाद हम डिश को धो के हम अब थोड़ा सा पानी को ऐड कर देंगे। अब अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अब ढक के 5 से 10 मिनट्स अब हम इसको पकने देंगे। ओके, 5 से 10 मिनट्स होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी भी अच्छे से हमारा ड्राई हो गया है। अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच से मैंने दही को फेंट के ऑलरेडी रख लिया था, मैंने पहले ही फेंट के रख लिया था, तो ऐड कर देंगे अब हम इसको। तो गोश्त के साथ दही को अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को ऑफ करके ही दही को ऐड कर देंगे। ओके, फ्लेम ऑफ है फ्रेंड्स। उसके बाद हम दही अच्छे से मिक्स होने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारे मसाले को। मसाले को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जार में थोड़ा सा मसाला लगे हुआ है, ये भी अच्छे से पोंछ के अब हम इसमें ऐड कर देंगे। जार में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम। उसके बाद जार को अच्छे से धो के अब हम वो भी पानी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छे से अब हम सालन को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम 4 मीडियम साइज के ऑनियन लिया था ना, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था ना, मैंने फ्राई करके रख लिया था ना, वो फ्राई करी हुई ऑनियन को अब हम चूर के अच्छे से अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये पसंदों का सालन बहुत टेस्टी होता है, मेरे मित्र से आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, रमज़ान स्पेशल है। ओके, फीडबैक ज़रूर देना। तो यहाँ पे हम ग्रीन चिल्ली 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर देंगे, 1 मुट्ठी पुदीने को भी ऐड कर देंगे, पुदीने को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके अब हम इसको दम पे रख देंगे। 5 से 10 मिनट्स हो गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी रिलीज हो गया है माशाल्लाह। ओके, इतना मज़े का बना था, बहुत मज़े का भी बना था माशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था, तो थोड़ा सा मैं सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। अब इसको अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एकदम लो फ्लेम पे एक 5 से 10 मिनट समय इसको अब दम पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लुक देख सकते हैं, 5 से 10 मिनट्स के बाद इसका अमेजिंग लुक है ना माशाल्लाह। ओके, आप लोग भी ट्राई करना, फीडबैक ज़रूर देना, ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ओके, माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी रिलीज हो गया है, इसका लुक भी एकदम अमेजिंग है माशाल्लाह। ओके, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।